वेलकम टू डे वन ऑफ माय 75 ब्रांड चैलेंज। क्या आपको पता है मैकडॉनल्ड्स का रियल बिजनेस बर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। तो इस रील में हम जानते हैं कैसे मैकडॉनल्ड्स पैसा कमाता है। मैकडॉनल्ड्स की असली कमाई छुपी है उसके एक वेल प्लान्ड फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी में, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक बना है। रिंग रॉक नाम के एक मिल्कशेक मशीन सेलर ने जब मैकडॉनल्ड्स के फर्स्ट आउटलेट पर विजिट किया तो उसने वहाँ की कुकिंग स्ट्रेटेजीज और सिस्टम्स को देख के इम्प्रेस हो गया। उसने डिजाइन किया मैकडॉनल्ड्स का मैजिक फ्रेंचाइजी मॉडल। किसी भी तरह की रॉयल्टी से पैसा ना कमा के मैकडॉनल्ड्स एक पब्लिक प्लेस जैसे कि मॉल या फूड कोर्ट में एक जगह खरीदता है और उसे लीज आउट कर देता है फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को, वो भी मार्केट से मार्क्ड अप प्राइस में। इससे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स कभी भी उस लाइन को ओन कर नहीं सकते और मैकडॉनल्ड्स की एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम जनरेट होती है। थोड़ी सी ट्वीकिंग करके सारा गेम चेंज हो जाता है। और मजे की बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स ने ऐसा करते करते इतने एसेट जनरेट कर लिए हैं कि 2008-09 की रिसेशन में जब सभी बड़ी कंपनीज लॉस मेकिंग थी तब मैकडॉनल्ड्स अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मैकडॉनल्ड्स की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कैची स्लोगन्स जो कि एक हैप्पी वाइब देते हैं इंश्योर करते हैं मार्केट में उसकी प्रेजेंस बनी रहे और उससे अच्छी सेल्स जनरेट हो, जिससे कि मैकडॉनल्ड्स का एक दूसरा मनी मेकिंग मॉडल चलता है, यानी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की सेल्स में परसेंटेज शेयरिंग। जैसे कि कहा जाता है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मैकडॉनल्ड्स के इस केस से हमें डाइवर्सिफिकेशन के इस प्रिंसिपल का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है।